आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर। भगवान श्री रजनीश का जन्म हुआ था उनकी नानी का घर, जो गढ़वाड़ा से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछबारा में पड़ता है, और यहाँ पर टैक्सी आदि से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर वह अपने नानी के घर में रहा करते थे और उनके माँ बाप भी उनके साथ ही थे। बहुत सी यादें भगवान श्री रजनीश की यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आज जब मैं भगवान श्री रजनीश का घर देखा, थोड़ा भावुक था। मन में सोच थी कि जहां पर भगवान श्री रजनीश रहते थे, बहुत सी कथा कहानी उनके साथ यहां पर जुड़ी हुई है। उनका बचपन जहां पर गुजरा था, उनकी इस गांव के साथ जुड़ी है। श्रद्धा के साथ झाड़ू लगाया, आज भी उनकी आभा यहां पर महसूस होती है। आंखें नम थी और भीतर शुक्रिया। गुरु ने यहाँ पे 1944 से 51 तक 7 साल इस स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल है ये गाड़रवारा में, यहाँ पे उन्होंने 7 साल पढ़ाई करी है स्कूल के अंदर। ये पानी की बावड़ी है जहाँ पे गुरु नहाया करते थे। गुरु ने यहाँ पे 1944 से 51 तक 7 साल इस स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल है ये गाड़रवारा में, यहाँ पे उन्होंने 7 साल पढ़ाई करी है स्कूल के अंदर। लुधियाना से मुझे आज ये मेरा प्लेजर है कि मैं गुरु पूर्णिमा वीक में कुशवाड़ा और गाड़रवारा में आया हूँ। मैं यहाँ पे गाड़रवारा में ओशो लीला आश्रम यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे स्वामी ध्यान आकाश हैं जो इस आश्रम को केयर करते हैं। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि हम पुणे के आश्रम के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गाड़रवारा का आश्रम है और कुछवाड़ा का आश्रम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें फैसिलिटीज़ उसको और खूबसूरत बनाने के लिए, जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, जितने भी ओशो लवर्स सन्यासी जो जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और कैंप अटेंड कर रहे हैं, वो सबसे अनुरोध है कि सब आकाश जी का नंबर मैं अभी सबसे शेयर कर रहा हूँ, अपनी आर्थिक सहायता इनको दें, कुछवाड़ा और गाड़रवारा के आश्रमों को पूरा सहयोग दें कि वो बहुत खूबसूरत बने, जहाँ पर गुरु का अपना स्थान है, वहाँ के आश्रम बहुत एक अच्छी तर्ज़ पे बहुत सुंदर बनने चाहिए। उनकी जो आज की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, ये हम सब का मौलिक कर्तव्य है
कि हम इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी पहला स्टेप लेती है अपनी तरफ से दोनों आश्रम। ओशो ग्राउंड, स्कूल के टीचर से पनिशमेंट मिलने के बाद इस ग्राउंड में ओशो को 50 चक्रों की सज़ा इस ग्राउंड में मिला करती थी।